जगदलपुर शहर की जनता व तरस शराब की दुकान से और मंत्री विधायक महापौर मस्त दारू दुकान की कृपा से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मामला शहर के अंदर से सारी शराब की दुकान को शहर से बाहर किसी गैर रहवासी स्थान से स्थानांतरण करने का जिसे लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लगभग साल भर से आंदोलन जारी रखा, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। दो दिन पूर्व जिलाधिकारी नाम हमने ज्ञापन सौंप व पूरे भाग बीती बताई व ज्ञापन में भी साझा किए और समस्या को ध्यान में रखकर दो दिन में ही हमें जवाब देने के अल्टीमेटम भी दिए और जवाब नहीं आने पर आमरण अनशन की बात कही थी, किंतु कल दिनांक 2 तारीख संध्या को यह अल्टीमेटम समाप्त हुआ और अब आमरण अनशन दिनांक 4 सितंबर को शुरू हो जाएगा। यह न केवल सिर्फ आमरण अनशन होगा बल्कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा, जिसका पूरा जवाबदार जिला प्रशासन व सरकार की होगी। यह आंदोलन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ छे पूरी तरह से गांधीगिरी ढंग से करेगी। आमरण अनशन में बैठने वाले साथियों के नाम इस प्रकार हैं: जगदलपुर विधानसभा सह प्रभारी श्री नरेंद्र भवानी के साथ शहर जिला मंत्री सूर्यपाल शर्मा, शहर जिला सचिव श्री बाबा जमील जी, शहर जिला उपाध्यक्ष श्री रोशन ठाकुर जी, शहर जिला सचिव श्री तरुण सेन जी, युवा जगदलपुर विधानसभा अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी समेत अन्य जन शामिल होंगे। वहीं जगदलपुर विधानसभा के प्रत्याशी व शहर जिला अध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि यह सारी शराब की दुकानें न केवल नियम का उल्लंघन करके खुली हो, बल्कि सीधे सीधे यह सरकार अपना गुंडा तत्व वाला व्यवहार दिखा के पूरे नियमों की धज्जियां उड़ा के यह सारी दुकान को संचालित कर रही है, जिसका हम निंदा करते हैं। वहीं हमारे साथियों ने फिर आंदोलन स्वरूप अनशन का मोर्चा खोले हैं। यह आमरण अनशन व आमरण अनशन तब खत्म होगी जब समस्या का समाधान त्वरित होगा। अध्यक्ष, ये दरअसल ये लड़ाई क्या है, जनता की लड़ाई है। हम लोग जनता के पक्षकार हैं। हम लोग, जनता चाहती है कि शहर से शराब दुकान शहर से बाहर। आखिर ऐसा क्या है, इंटरनल सपोर्ट सभी पार्टी कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, शराब दुकान बाहर होना चाहिए, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। और इस बार तो आर पार की लड़ाई होनी है, क्योंकि विगत साल डेढ़ साल से सभी मोर्चे पर सभी तरह से हम लोग प्रयासरत हैं लोकतांत्रिक तरीके से। विधानसभा प्रत्याशी जनता कांग्रेस पार्टी से, शहर की जो मध्यम स्थित शराब दुकानें हैं उसके विरोध में हमारे पार्टी के सदस्यों ने पहले भी आम आदमी किया था। उस समय जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि 1 महीने के अंदर हम शराब की दुकान को बाहर कर देंगे। विभिन्न आंदोलनों के तहत भी आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक वो दुकानें शहर में स्थित हैं जो नियम विरुद्ध हैं। बाकी सब जगह की शराब दुकानें शहर से दूर और बाहर हैं। छत्तीसगढ़ का ये दूसरा शहर है रायपुर के बाद जहाँ शराब की दुकानें शहर के मध्य में स्थित हैं। इस बार हमारे साथी अनशन करेंगे और फैसला लेके आंदोलन के बीच विषय में आप बताएंगे आज। मैं नरेंद्र भवानी, जगदलपुर विधानसभा सह प्रभारी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। पिछले साल भर से हमारे समूह के लोग शहर से शराब दुकान बाहर निकालने का यह आंदोलन को कर रहे हैं। पूरे आंदोलन में ऐसा एक भी आंदोलन नहीं बचा होगा जो हम लोगों ने छोड़ा होगा, एक भी नहीं बचा होगा, हर प्रकार का आंदोलन। और आज फिर से हम लोग यह लड़ाई को लड़ने की कमर को कस लिए हैं, जहां पर कल से मेरे साथ जगदलपुर विधानसभा के युवा अध्यक्ष संतोष सिंह जी, जगदलपुर शहर के महामंत्री श्री सूर्यपाल जी, जगदलपुर के महासचिव श्री तरुण सेन जी, बाबा जमील जी। जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की खास रिपोर्ट।